आम बजट से पहले सुनिए सरकार। अब की बार युवा मांगे रोजगार। छात्रों को चाहिए मौके शानदार। अब की बार बाजार होगा गुलजार। क्या अब व्यापारियों की आएगी बहार। अब की बार महंगाई पर चाहिए अंतिम प्रहार। अब की बार किसानों का होगा उद्धार। क्या बजट 2020 होगा सबसे यादगार। वित्त मंत्री जी से यूपी वालों की गुहार। जनता मांगे मौ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जनता मांगे मोर और मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। मेरे बगल में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है और उनकी टीम है। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। इस बार 2020 का आम बजट क्यों खास है। जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के लोग क्या चाहते हैं, दिक्कतें क्या है, परेशानी क्या है, ये जानने के लिए R9 की टीम अलग अलग जिलों में लोगों से बात करने पहुंची। तो लोगों ने क्या कुछ कहा ये जानने के लिए आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की। यहां के लोग क्या चाहते हैं, मोदी सरकार से क्या उम्मीदें हैं, वो सुनिए। बजट 2020 पेश होने वाला है, ऐसे में आम लोगों का कितना ये सरकार ख्याल रखती है और आम लोग कितना उम्मीद करते हैं सरकार के इस आम बजट 2020 से। तो आइए पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आम बजट क्या होना चाहिए, किनके अनुरूप होना चाहिए और क्या रिएक्शन है आम जनता का। आइए लिए चलते हैं आपको बनारस की गलियों में। कहते हैं बनारस की साड़ी बड़ी फेमस है, दुनिया भर में अगर बनारसी साड़ी की चर्चा है, हम इस समय बनारस की उस सबसे चर्चित साड़ी की दुकान में हैं जहां की साड़ियां लोगों को खूब भाती हैं। सरकार से तो अच्छी उम्मीद है, सरकार से ये भी हम अपनी डिमांड है कि इनकम टैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा छूट दें ताकि चोरियाँ रुकें। गवर्नमेंट के कुछ गलत नीतियों के कारण ही चोरी बढ़ती है। बट हमारी आशा यह है कि उस चीज़ों में थोड़ा सुधार हो, जो टैक्स स्लैब का जो उन्होंने वादा किया था मिडिल क्लास छोटे व्यवसायियों के लिए और प्लस हमारे खासकर ज्वेलर्स के भी पर करना चाहिए, क्योंकि ज्वेलर्स पे इनडायरेक्टली बहुत सारे पर्सनल हैं जो इससे अफेक्टेड होते हैं और उनके जीवन यापन के लिए भी ये बहुत बड़ी चीज़ें हो जाएंगी अगर इस पर थोड़ा सुधार कर दें। टैक्स ले व्यापारी टैक्स देने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटा हुआ है, लेकिन व्यापारियों को उस चीज़ के लिए सुधार के लिए आवश्यकता है ताकि उनके ऊपर भी और जो उनसे रिलेटेड हैं उनको भी इस चीज़ से मिलनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आगे और अच्छा करेगी सरकार, थोड़ा सा टैक्स में कुछ कमी कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहे, ताकि रेट थोड़े कम हो जाए तो कस्टमर आराम से परचेजिंग कर सके, क्योंकि रेट ज़्यादा होने के कारण जो है कि कस्टमर के परचेजिंग पावर से थोड़ा बाहर हो रहा है। थोड़ी सी एक्साइज ड्यूटी हम लोगों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा लगा हुआ है, उसको कुछ कम कर दें गवर्नमेंट तो ज़्यादा अच्छा होगा। सरकार से बस यही उम्मीद है
कि अभी फ़िलहाल जो हमारा घर का खर्च है वो बियॉन्ड लिमिट्स जा रहा है, जितने भी मतलब चाहे चावल दाल के भाव हों, जो भी चीज़ें हैं, मेन बेसिकली सब्ज़ी और ये वेजिटेबल्स के हम लोग जो देखते हैं वो हमें लगता है कि कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ये है कि मार्केट का, मैं एक्चुअली शेयर मार्केट में भी कुछ कुछ चीज़ों को देखती रहती हूँ, तो बेसिकली कमोडिटी मार्केट का जो मुझे दिखता है वो उसके हिसाब से लगता है आने वाले समय में चीज़ें सुधरेंगी, उम्मीद है। महंगाई को देखते हुए बजट तो उनको कायदे का देना चाहिए, इनकम टैक्स पर छूट देना चाहिए, कम से कम 5 लाख रुपया छूट होना चाहिए इनकम टैक्स में। अब उसके आगे फाइनेंस मिनिस्टर क्या करती हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। हम बजट से ये आशा करते हैं कि मोदी साहब जिस आधार पे आए रहे 2014 पहले कि महंगाई पे गैस बिजली पानी सब, कोई उससे फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ खाली ये सबका साथ सबका विकास एक नारा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ कागज़ पे ग्राउंड पे कुछ नहीं दिख रहा, सब कागज़ पे सब खेल दिख रहा है। जनता को मेन चीज़ क्या चाहिए, सड़क पानी और जो दैनिक वस्तुएं रोज की जो महंगाई से, बस उससे निजात दिलावें, यही हम लोग आशा करते हैं। सड़क पर बस से सफर करने वाले लोग आम बजट से क्या उम्मीदें रखते हैं, हापुड़ में बस से सफर करते हुए R9 टीवी संवाददाता अपर्णा दीक्षित ने लोगों से खास बातचीत की। आम लोग हैं वो इस बजट के बारे में क्या राय रखते हैं कि आने वाला जो 1 फरवरी को बजट है लोग उसे क्या अपेक्षा रखते हैं? हमारे पीछे बजट पर बोलने के लिए अभी हमारे पास देखिए ये सवारी मौजूद हैं, इनमें से कुछ लोग हैं जो बोलेंगे और बताएंगे कि इस बार की सरकार से जो अपेक्षा है, इन लोगों की, किसानों को जो अपेक्षा है अपने सरकार से, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए चलते हैं तो पूछते हैं कुछ लोगों से जो बजट है उसके बारे में। एक तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत जल्दी जल्दी बढ़ा रहे हैं, ये उस चीज़ में एक तो ना अपना कटौती करनी चाहिए। उसके बाद जो किसान भाई हैं हमारे उनके लिए भी मतलब अलग से बजट लाना चाहिए, उनके लिए जो सीड्स होती है उनकी या जो भी उनके एग्रीकल्चर में यूज़ होता है जो भी उसके लिए बढ़ावा देना चाहिए। और जो व्यापारी भाई हैं हमारे उनके लिए भी काफ़ी उनके लिए भी ध्यान रखना चाहिए उन्हें, क्योंकि जो हमारे व्यापारी भाई हैं जब से GST लगी जब से बहुत परेशान हैं वो उस GST की वजह से, तो उसमें भी उन्हें काफ़ी सुधार करना चाहिए। बजट में आंतरिक सुरक्षा करने वाले जवान और किसानों के लिए दोनों के लिए अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए। किसानों के लिए क्या करना चाहिए? किसानों के लिए भी सुविधाएं देनी चाहिए। क्या, किस तरीके की सुविधा? सारी सुविधाएं, जो फसल है उनका जो रेट है उनका अच्छा रेट मिल जाए लोगों को। अच्छा। और जवानों के लिए क्या? जवानों के लिए यह है कि सुविधा मिलनी चाहिए, काफ़ी सुविधाएं, सरकारी नौकरियां जितनी भी हैं सब लो क्वालिटी, सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं किसी भी जवान को, सुविधाएं जो देनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बस में हमारे साथ एक यात्री हैं, उनका कहना है वो क्या है बजट के ऊपर, ये बात करेंगे उनसे। सर बजट में आपका क्या कहना है, आप जो डेली बस से यात्रा करते हो उस पर कुछ कहना है सरकार से या कुछ अपेक्षा है इस बजट से? हाँ, उसमें ये थोड़ा किराया सस्ता होना चाहिए। किस तरीके का? थोड़ा कुछ किराया सस्ता होना चाहिए, ज़्यादा किराया पड़ रहा है रोडवेज बसों का, उसमें कम होना चाहिए। और बताइए आम बजट से किसानों को, आप किसानी करते हैं, आप करते क्या है? किसानी करते हैं। तो आप कुछ कहेंगे अपने किसान होने के नाते? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा सरकार से कि जो ये खाद है ये थोड़ा सस्ता होना चाहिए, और बिजली की दर बहुत बढ़ रही है, बिजली के बिल भी कम होने चाहिए, और ये जो किसानों की सुविधा गन्ने के बारे में बहुत परेशानी उठानी पड़ती किसानों को, उनका गन्ना समय से लिया जाना चाहिए, उनका समय से भुगतान होना चाहिए। इस नौकरी में परेशान हो रहे हैं, पूरी सवारी नहीं आ रही, किराया इतना बढ़ गया है, टोल इतना ज़्यादा कर दिया है, हमारी गाड़ी हापुड़ से चलती है 6400 मारती है, 1250 तो टोल में चले जाते हैं, फिर आगे टोल है दिल्ली का वहाँ चले जाते हैं, कुछ बच ही नहीं रहा है, गैस महंगी हो गई, सवारी पूरे पैसे देने को तैयार नहीं होती। प्राइवेट किस लिए होती है? प्राइवेट इसलिए होती हैं भाई, हल्की भारी सवारी हैं, गरीब लोग हैं वे भी ऐसे ही जाते हैं, बहुत लोग स्टाफ के चलते हैं, प्राइवेट इसी वजह से होती हैं, सरकारी में पूरा किराया देती हैं। लेकिन गाड़ियों को इनको रियायत होनी चाहिए, टोल बहुत महंगा कर दिया है, इसे ख़त्म करना चाहिए। पहले डासना टोल था 185 रुपये में 24 घंटे थे, यहाँ 625 रुपये में हाफ डाउन है, सिर्फ आओ और जाओ, इसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा पड़ा। जितनी भी गाड़ियाँ हमारी रोड पर 42 गाड़ियाँ हैं, 42 गाड़ियों का सबका बैलेंस बिगड़ा पड़ा है,
कोई भी टाइम से चल नहीं रही है, कहीं भी खड़ी हो जाती है, एक चक्कर मार गया, दो चक्कर मार गया। यही है, सब चीज़ पर महंगाई है। क्या चीज़ पर कमी है? दूध दूध महंगा, चीनी जाओ चीनी महंगी है, मिर्च का भाव कितना तेज हो रहा है, हल्दी का कितना भाव तेज हो रहा है, क्या चीज़ की कमी हो रही है? ना जिस भाव रहे तो जिस भाव पहुँचगा ना, जब गरीब आदमी क्या खिलावे है? है राशन पे कह दें ये खां मिल रहा है जी, तीन किलो मिलेगा एक सदस्य पे, है 3 किलो पूरे महीने खिला लेगा गरीब आदमी। है क्या होता है बेचारे, मजदूरी करें कैसी भी करें अपने बालक ने पाल लेंगे, मजदूरी कुछ बढ़ा ही नहीं रहे हैं। हमारे साथ ये यात्री थे जिनका कहना था कि महंगाई पर खास तौर से रोक लगनी चाहिए और जो मजदूरी है उनको, मजदूरी के जो पैसे हैं उनको पैसे बढ़ाने चाहिए जिससे कि गरीब आदमी का पेट पल सके। ऐसे ही अभी तक आपने ट्रेन में सुना, अब आपने बस के यात्रियों को सुना, उनकी चीज़ों को सुना। लोगों को काफ़ी सारी दिक्कत भी होती है बजट के आने के बाद और लोगों को काफ़ी उम्मीदें भी रहती हैं बजट से। अब देखना ये होगा कि आने वाले 2020 1 फरवरी को क्या बजट लोगों के उस आस पे खरा उतर पाएगा। कैमरामैन राघव के साथ मैं पढ़ा दीक्षित, R9 TV। और अब कानपुर, उत्तर प्रदेश का वो शहर जो औद्योगिक नगर के रूप में मशहूर था। एक वक्त कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था, लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है। कानपुर में लेदर के व्यापारी और लोग आम बजट में क्या चाहते हैं वो भी सुनना जरूरी है, वो भी सुनिए। हमारी मांग है कि पूरी क्लियर कट 5 लाख रुपए तक आयकर की सीमा की छूट दी जानी चाहिए। 5 लाख रुपए के ऊपर जो 5% का स्लैब है वो आवे, 5 लाख से 2.5 लाख के बीच में कोई स्लैब ना रहे। देखिए हम लोग तो यही चाहेंगे कि 5 लाख की सीमा को ये कुछ बढ़ा के बताए, क्योंकि इतना हर चीज़ में महंगाई है, क्योंकि हम लोगों का बजट जो है 5 लाख में होता गया आज की तारीख में। अगर इसको बढ़ाएंगे जनता लाभान्वित होगी, और देखिए देश में डेवलपमेंट पर जोर देना चाहिए, जो पैसा होता है डेवलपमेंट में काम आता है। अभी भी हम लोगों जो हम लोग तो मूलतः कानपुर के निवासी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई जोर नहीं, क्योंकि सड़कों की स्थिति जो की त्यों है, और सरकार को चाहिए कि बढ़िया बजट लाए, क्योंकि कामकाज पे ध्यान दें। CNRC से कोई फायदा नहीं है, और केवल जो है बड़ी एक आम जनता को राहत वाला हो। और आजकल गृहिणी सबसे ज़्यादा परेशान है, गृहिणियों के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि वो घर का खर्चा चलाती है, और हर सब्जी हर तरीके की सब्जियां महंगी है, इस पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। बजट पे हम चाहते हैं कि किसानों पे, नौजवानों पे और महिलाओं पे, हमारे सेना के जवानों पे राहत मिलनी चाहिए। आम आदमी को जो टैक्स की मार पड़ रही है इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि ये बजट जो 6 सालों से बजट आ रहा है, कोई भी हम लोगों को रोजगार पे मिल नहीं रहा है, आम आदमी के घर का चूल्हा ठंडा हुआ जा रहा है। हम चाहते हैं ऐसा बजट आए कि सबके चूल्हे फिर से जल जाएँ और देश अमन चैन की तरक्की के रास्ते पर जाए, खुशहाल हो। 18% टैक्स बहुत होता है गुड्स के ऊपर, बेल्ट के ऊपर, पुलिस बेल्ट हो, इन सब के ऊपर, इसको भी घटाना चाहिए, क्योंकि चमड़े के ऊपर 5% है और लेदर गुड्स के ऊपर 18% है। और ये सब जो है हाथ का काम है, मशीनरी उसमें इस्तेमाल नहीं होती है, तो उसको सरकार को देखना चाहिए। GST हमारी मांग है कि अगले बजट में गुड्स के ऊपर GST को घटाना चाहिए, और यहाँ एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ट्रेंडी वालों से 25 करोड़ मांगा जा रहा है इसको माफ़ करके उसको सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को बना के दे। तो हमारी गवर्नमेंट से एक मांग है कि अब जो सब्सिडी ख़त्म की थी एक्सपोर्ट में, सबसे पहले तो वो सब्सिडी चालू करें, फिर हम लोग इन लोगों के बराबर आएँ। और दूसरा जो है यहाँ पर जो है लेदर इंडस्ट्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग की है अभी हम लोगों ने, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्नमेंट को बना के देना चाहिए। तो हम भी यही आशा रखते हैं सरकार से कि सरकार जो है वो डेड ना करके उन कामों को, जिन कामों को दूसरों ने इसको डिले किया या पूरा नहीं किया जिसकी वजह से नुकसान हो रहा था, इससे हमको आशा है कि ये पूरा करेगी और देश को और मतलब के हम सबको, इंडस्ट्रीज वालों को, सबको उसका बेनिफिट मिलेगा। और अब रुक करते हैं ताजनगर यानी कि आगरा का। आगरा के व्यापारी, लेदर के व्यापारी हों, पेठे के व्यापारी हों या फिर पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग, वो क्या चाहते हैं इस बजट से, वो भी सुनिए। जूते के निर्माता हैं, तो जूता उद्योग जो है वो बहुत बड़ी आशा करता है इस आने वाले बजट से। हम लोग की सबसे पहले आशा तो यही है कि केंद्र सरकार हमारे जो बैंक से जो ब्याज दरें हैं
उनके अंदर कुछ बैंक में ब्याज दरों में कमी लाए, ताकि हम जो इस वक्त विदेशी जो कंपनीज हैं या विदेशी जो जूता बनाने वाले हैं उनसे ढंग से कम्पीट कर सकें। उसके अलावा सरकार अपनी तरफ से कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आए जो हम लोगों को कुछ अपनी साइड से कुछ मदद दे सके, कुछ टेक्निकल हेल्प दे सके, जिसके अंदर हम जूते को आगे बढ़ा सके और जूते को कुछ इस तरीके से पेश कर सके कि चाइना से जो हमारा सबसे बड़ा कंपटीटर है इस वक्त का, उससे हम कंपीट कर पाए और उससे अच्छे बेहतर दामों में विदेशों में और हिंदुस्तान के अंदर उसे पेश कर पाए। हम भी सरकार से ये चाहेंगे कि भाई पहले जूता 300 रुपए तक फ्री था, टैक्स फ्री था, जो कि आम आदमी के लिए बहुत सहूलियत का विषय था, लेकिन सरकार बदली तो सरकार ने ये चाहा कि भाई हम मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए, आम वर्ग को ध्यान में न रखते हुए उन्होंने GST सब पे लागू कर दिया। तो हमारी इस बजट में सरकार से यही उम्मीद है कि वो मध्यम वर्ग को भी ध्यान में रखते हुए और आम वर्ग को भी ध्यान में रखते हुए 300 रुपए तक का फुटवेयर जूता टैक्स फ्री किया जाए, जिससे आम पब्लिक को इसमें सुविधा मिले और वो इस बजट से बहुत खुशी महसूस करे। हम तो ये चाहते हैं कि इस समय जो क्या पूरे इंडिया का माहौल, सारे बिजनेस नीचे आते जा रहे हैं, हम लोग इतना सस्ता सस्ता प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं, उसके बावजूद हमारे पास ऑर्डर्स नहीं हैं, क्योंकि पब्लिक के पास पैसा नहीं है, इसलिए हमारे पास सेल नहीं है। तो हम तो सरकार से चाहेंगे कि कुछ इस तरह की पॉलिसी बनाएं कि पैसा आम आदमी के पास आए, गरीबों के पास आए, नौकरियां ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें, और ये सरकार ही कर सकती है, क्योंकि रिसेशन कह सकते हैं या मार्केट जो पॉलिसी पीछे एक जो अटैक हुआ है नोटबंदी का, उसके बाद से सारे लोग डरे हुए हैं और पैसे का मूवमेंट नहीं हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो सब चीज़ धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है, काम ठंडे होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं बिल्कुल। तो हमें नहीं समझ आ रहा कि सरकार क्या कदम उठाएगी कि हम लोगों का प्रोग्रेस हो। 80% होटल की ऑक्यूपेंसी खाली रहती है, तो और खाली होने के पीछे कारण भी ये है कि यहाँ कोई ऐसा कोई विजन स्टे करने का नहीं है लोगों का। तो पर्यटन के उद्देश्य से देखा जाए तो इस बजट में गवर्नमेंट कुछ ऐसा बजट में राशि आगरा के लिए दे, जहाँ यहाँ कोई ऐसा पार्क बने, थीम पार्क हो, वाटर पार्क हो, या नाइट बाजार हो, जहाँ लोग रात में आके घूम सके, देख सकें, और ताजमहल को जो एक्चुअली इन्होंने ताजमहल नाइट स्टे नाइट का विजन का बना रखा है जगह, वो जगह एक ऐसी तरह डेवलप हो जहाँ लोग रात में मार्केटिंग भी कर सकें, घूम सकें, ताजमहल देख सकें। क्योंकि कोई चीज़ का अगर एक एम नहीं होगा, अगर घूमने फिरने आए, अगर हम मुझे रात में ताजमहल देखना एम है, तो मुझे वहाँ पे अगर मुझे मार्केट मिलता है तो मैं 2 घंटा मार्केट भी जाऊँगा। तो ऐसी कोई राशि बजट में अलग से गवर्नमेंट आगरा को दे। हमको बजट में कुछ भी नहीं मिलता है, पर हम एक होप करते हैं कि इस बजट में शायद फाइनेंस मिनिस्टर्स जो हैं वो इस ओर ध्यान देंगे। हमारी सबसे बड़ी मांग जो है कि एक पर्यटन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए स्पेशली आगरा के लिए, क्योंकि जो भी फंड आता है जाता है वो उस बोर्ड के अंदर ही पैसा आना चाहिए, जो योजनाएं बनती हैं और उनको उसी योजनाओं के अनुसार वहां पर जो है बोर्ड होगा तो वो योजनाएं चलती रहेंगी, क्योंकि कभी क्या होता है सरकार आती है जाती है, वो योजनाएं ठप हो जाती हैं। तो हमारी सबसे पहली मांग है कि पर्यटन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। देखिए, पर्यटन उद्योग एक बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है और हमें आशा है कि ये जो बजट आने वाला है 2020 का, उसमें पर्यटन की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि रोजगार की भी कमी हो रही है। अगर पर्यटन बढ़ेगा तो उससे रोजगार भी मिलेंगे और विदेशी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का भी अर्जन होगा। देखिए, पर्यटन उद्योग को सबसे बड़ी उम्मीद ये है कि GST को रैशनलाइज किया जाए, तर्कसंगत बनाया जाए, होटलों पे जो टैक्स है वो कम किए जाएं, ट्रांसपोर्ट पे जो टैक्स हैं वो घटाए जाएं, और बाकी जो है शहर को ठीक किया जाए, शहर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, और बाकी जहाँ तक मॉन्यूमेंट्स की बात है, मॉन्यूमेंट्स पे फैसिलिटीज बढ़ाई जाएं, और जिससे कि क्लाइंट्स को यहाँ पे अच्छा लगे और नए आयाम खोले जाएं टूरिज्म के। उम्मीद तो आप छोड़ ही दीजिए किसी भी, उससे इसकी कमर तो पेटे के व्यापार की कमर तो आज से करीबन 7-8 साल पहले ही टूट चुकी थी। उसके बाद सारे मानता हूँ सारे व्यापारों की खस्ता हालत है। जिस उम्मीद से परेशानियां तो आर्थिक किसी के पास है ही नहीं, ऐसा लगता है किसी के पास अभी क्रेडिट का माल है, किसी को दे भी दे रहे हैं।
तो उसके पास पैसे देने को नहीं है, सीधी बात, कहीं खुशहाली है ही नहीं। कहीं खुशहाली आती है तो हमारे घर भी कुछ कोई आएगा, ठीक है, तो अब हमारे घर ही कुछ नहीं आ रहा तो हम किसी के यहाँ भी लेने नहीं जाएंगे। तो कुल मिला के कोई उम्मीद नहीं है, सीधी सी बात है, कहीं व्यापार में आए मजा, अपनी इकोनॉमी ठीक करें, GDP सही करें, आने वाले समय में तो ठीक हो पाएगा, नहीं तो ऐसे ही चलेगा। उम्मीद तो है नहीं कि कुछ राहत तो मिलेगी नहीं, और हम चाहते हैं कम से कम इस पेठा जैसे सस्ती मिठाई पे GST 5% वो हटाया जाए। पेठा उद्योग एक लघु उद्योग है, इसको टैक्स फ्री करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी क्या कम रेंज की मिठाई है, अब टैक्स लगने से और खर्चे लगने से बढ़ेगा ही है। अगर टैक्स फ्री होगा तो सस्ता होगा, सभी लोग खा सकते हैं इसे, और अच्छा क्या नाम बिकेगा। अभी थोड़ा क्या महंगा होने से इसकी सेल बहुत कम हो गई है, क्योंकि हर चीज खर्चे बढ़ गए हैं, इसके टैक्स लग गया है, तो लोग वाग लेने में थोड़ा कम कर दिया उन्होंने। IAS IPS की फैक्ट्री के नाम से मशहूर प्रयागराज शहर में आम बजट को लेकर छात्र छात्राओं की क्या मांग है, वो भी सुनिए। जो हमारी मतलब यहाँ पर रह रहे हैं, जिस हिसाब से बाहर रहते हैं, उस पर कमियाँ होनी चाहिए। जैसे जो हमारा आने जाने का एक्सपेंस हो जाता है, जो हमारी बाकी की चीज़ें ट्रैवल्स वगैरह पे लग जाता है, बुक्स वगैरह पे, तो उसमें थोड़ी सी कमी होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट को एक बजट में पैसा जो मिलता है वो बहुत लिमिटेड मिलता है, जिससे खर्च करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से बुक्स वगैरह और इन सब चीज़ों पर ही कम होना चाहिए, और ज़्यादातर ट्रैवल्स में कम होना चाहिए। सबसे पहले तो हॉस्टल का जो फ़ी है उसे कम करना चाहिए, और यूनिवर्सिटी के लिए जो फीस चार्जेस लग रहे हैं वो भी ज़्यादा है, उन्हें भी कम करना चाहिए, और नोट्स वगैरह के लिए तो पैसे बहुत ज़्यादा लग जा रहे हैं। तो उम्मीद कर रही कि इस बजट में इस चीज़ का ध्यान। हाँ बिल्कुल, और लाइब्रेरी में जो चार्जेस लग रहे हैं, बुक अगर बाई दो लेट से जमा हो रहा है उसके लिए भी चार्जेस लग रहे हैं, उसको तो ख़त्म कर देना चाहिए। देखिए, चूँकि हम छात्र हैं तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो हमारी सरकार है वह छात्रों को सबसे ज़्यादा तवज्जो दे, जो GDP है उसका 6% शिक्षा पर व्यय हो। साथ ही साथ आप देखेंगे बहुत सी जो नौकरियां अभी जो हैं लंबित पड़ी हैं, लगभग 24 लाख सरकारी नौकरियां जो कि लंबित हैं, वो जल्द से जल्द नौकरियों को दें। और साथ ही साथ जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय में जो फीस बढ़ी है, लगभग 70% बोला गया है कि विश्वविद्यालय को सरकार देगी और 30% आप छात्रों से लें, तो जो फीस है वह पूरी की पूरी सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत से गरीब परिवार से छात्र हैं, किसान परिवार से छात्र हैं, जो कि इनके लिए अफोर्डेबल फीस नहीं होती है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की, असिस्टेंट प्रोफेसरों की, उसको भरा जाए। और साथ ही साथ यदि हम प्राइमरी स्कूलों में हम देखेंगे तो प्राइमरी स्कूल के भी जो विद्यालय उन पर भी ध्यान दिया जाए। हाँ, सरकार से तो उम्मीद ही की जा सकती है, और सरकार से यह अपेक्षा है कि छात्रों के हित को और छात्रों के भविष्य को देखते हुए इस बजट में छात्रों की जो भी समस्याएँ हैं उसको लेकर काफ़ी कुछ सही देने की उम्मीद रहेगी। गन्ने की खेती के लिए मशहूर मुजफ्फरनगर के किसान, मजदूर, गरीब लोग ये क्या चाहते हैं, ये भी सुनिए। किसान को और मजदूर को भी इन्हें सहायता देनी चाहिए, और जो ट्रैक्टर वगैरह है उन्हें, और खाद है हमारा, बीज है, उन पर सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए। किसान को यही चाहिए। और जैसा गन्ने का रेट तो 3 साल से पीछे बढ़ ही नहीं रहा, गन्ने का रेट भी हमारा बढ़ाना चाहिए। हर चीज़ महंगी होती जा रही, बिजली बहुत महंगी हो चुकी, किसान के लिए बिजली की दरें कम करनी चाहिए। यही मेरा सरकार से यह है। बस किसानों को तो बिजली की और पानी की समस्या से जूझ रहे किसान, और बिल बहुत महंगे हो गए हैं, इनकी समस्या का सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और गन्ने पर ध्यान देना चाहिए। गन्ने का वाजिब दाम नहीं मिल रहे गन्ने के किसान को, मिल वाले गन्ना डलवा लेते हैं और पेमेंट जल्दी नहीं कर पा रहे। हमारी ये कि सरकार से वो है कि क्या नाम भाई, इनका वाजिब हमारे किसान का जो है सारा पेमेंट बढ़िया ठीक तरह से 14 दिन में पेमेंट की सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, वो नहीं हो पा रहे। किसानों को तो अच्छे भाव हो, इनके बच्चों को रोज़गार मिले, उसी से फायदा है। किसान तो किसानों का तो चाह ही नहीं रही, यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की पैदावार हो 2 साल हो लिया, कुछ बढ़ा नहीं रही, फीस बच्चों की बढ़ती जा रही, आम खर्चा बच्चों का बढ़ता जा रहा सारे, तो इसमें सरकार देखो क्या देगी। किसानों को उम्मीद यही है कि किसानों के बच्चे पढ़ें, अच्छी एजुकेशन हो, जॉब हो, और जो फसल है उसकी कीमत अच्छी कीमत मिले। किसान को चाहते हैं ये देखो, पर्ची पेमेंट टाइम पे हो और बीज खाद पे छूट मिले। हाँ, और बिजली का बिल इतना बढ़ रहा, बहुत बेतुका, बिजली का बिल कम हो।
मारे मकान बनवाओ, मारे बच्चों की पढ़ाई मंदी करवाओ, खाने पीने का राशन मंदा करवाओ, यो मांग है हमारी। अब बताओ हम यहाँ इतनी पूरे ढोरे हमारे पेट में चल रहे, मजदूरी नहीं लगती, मजदूरी करा तो कोई देता नहीं, तो हमारी यही मांग है जी, पढ़ाई मंदी करो बच्चों की, फीस छुट्टी रहो क्या ना रहो फीस भी उतनी भरे, बिजली का बिल इतना ही आ रहा, चाहे काम भी ना करो हम बिजली में जब भी इतना ही फीस वो आ रही। तो बजट 2020 में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए R9 TV के साथ सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार।